मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने आज सोशल मीडिया में भूमिका बनाना शुरू की है, हालांकि बहुत मुझे अच्छा लगा, सबको मैंने सुना है, सबने समर्थन करने का अपने भाषणों के अंदर वादा किया है, परंतु सोशल मीडिया में कुछ लोग भूमिका बना रहे हैं कि भाई इस विधेयक को अब इसलिए समर्थन न करो कि इसमें डिलिमिटेशन कमीशन का है और अभी के चुनाव में नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें ओबीसी आरक्षण नहीं है, मुस्लिम आरक्षण नहीं, इसलिए समर्थन न करो। मैं अलग कहता हूँ, अब समर्थन नहीं करोगे, समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? तो भी 29 के बाद आएगा। समर्थन कर दो, गारंटी हो गई, फिर जो सरकार आएगी उसमें जो बदलाव करेगी वो भी होगा। एक बार श्री गणेश तो करो, गणेश चतुर्थी के दिन ये संविधान संशोधन विधेयक आया, एक बार शुरुआत करनी चाहिए मुझे, और एक बार शुरुआत करें उसके बाद पहला डिलिमिटेशन कमीशन। मगर पारित नहीं हुआ मान्यवर, ये कमिटी में रखना ही शुरुआत मानते हैं। इनके जो नारे हैं गरीबी हटाओ जैसे हैं, 50 साल हो जाए मगर गरीबी नहीं हटती, हम ऐसे नहीं है मान्यवर। हम तो जो कहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा जाता है वो किया जाता है मान्यवर, इससे कोई देरी नहीं होनी है। चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिमिटेशन दोनों होंगे और बहुत जल्द ये दिन आएगा कि सदन में एक तिहाई माताएं यहां बैठकर देश के भाग्य को तय करती होगी मान्यवर। अभी अभी हमारे साथी सांसद अभी चले गए, उन्होंने कहा देश लो जो लोग चलाते हैं, अब सब लोगों की अपनी अपनी समझ होती है, उन्होंने कहा कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी हैं। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरीज चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाते हैं। मान्यवर संविधान की स्कीम है देश की नीतियों का निर्धारण, इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। और आंकड़े अगर आपको चाहिए, आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29% 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर और मंत्री, मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के मान्यवर। सस्ते चुनावी वादे करना और पॉलिटिकल भाषण करना, दादा नए सदन में तो उम्र के हिसाब से कुछ करिए मान्यवर। बीजेपी के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 है, 27% है, ये सभी ओबीसी का राग अलापने वालों से ज्यादा है मान्यवर। बीजेपी के ओबीसी एमएलसी 163 में से 65 है 40% है, ये 33% की बात करते हैं मान्यवर। चुनावी भाषण करना बहुत ठीक है, कोई एनजीओ बना कर दे देता है, चीट यहाँ आकर पड़ जाना ठीक है भैया, मन से पिछड़ा वर्ग का कल्याण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार संसद के अंदर नेता चुने गए, और कहा गया उनको भाषण करने के लिए, लिखा हुआ भाषण एक साइड पे रह गया, उन्होंने कहा 2014 में मेरी सरकार
दलितों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है। और मान्यवर आज देश के 80 करोड़ गरीबों को घर, शौचालय, बिजली, पानी, दवाई, गैस का सिलेंडर और खाने के लिए अनाज देने के बाद आज माताओं के लिए 33% आरक्षण नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। और मोदी जी ने ये जो वादा किया था, मान्यवर, ये जो वादा किया था वो मोदी जी ने पूरा किया है। और ये सारे जो ओबीसी का राग अलपते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, आपकी पार्टियों ने कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया। मान्यवर, इसलिए मैं सभी दल के सांसदों को एक विनंती करना चाहता हूं, आपको लगता है इसमें कुछ अधूरा है तो कल सुधार लेंगे, मगर हम जो लेकर आए हैं वो महिलाओं के सम्मान की बात है, कृपया उसका समर्थन कीजिए। 4 बार इस संसद को, देश की माताओं को हमने निराश किया है, इस बार राजनीतिक पक्षापक्षी से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सब ये विधेयक का समर्थन करें। और यस, आपका भी है, हमारा भी है, छोटे से छोटे निर्दलीय सांसद का भी है, ये यस संसद का है, सदन का है, हम सब मिलकर इसको पारित करें, यही मेरा सबसे अनुरोध है। नौ प्लीज, अर्जुन मेघवाल जी, तो गृह मंत्री अमित शाह महिला आरक्षण बिल पर यहां बोलते हुए और बताते हुए कि सरकार की क्या मंशा है, उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अर्जुन मेघवाल साहब, और यहां पर अब महिला आरक्षण बिल जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मेघवाल साहब, उस पर वोटिंग होने जा रही है। बाकायदा हिसाब दिया गृह मंत्री अमित शाह ने कि बीजेपी की कितने विधायक ओबीसी हैं, कितने एमपी ओबीसी हैं और कितने मंत्री ओबीसी हैं।